Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है प्रेम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कोलकाता जूनियर डॉक्टर के साथ जो कुछ वहां के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ठीक 17 साल पहले दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ लगभग वही हुआ, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन इन दोनों केस में इतनी सिमिलरिटी है कि जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो फिर आपको लगेगा वाकई जो आज हुआ 17 साल पहले वही सब कुछ दिल्ली में हो चुका था। लेकिन उस केस का अंजाम क्या हुआ जो 17 साल पहले दिल्ली में हुआ था, अंजाम सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। तो पहले पूरी कहानी। ये अगस्त का महीना था जब कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को वो हैवानियत हुई, और इत्तेफाक से 17 साल पहले वो सितंबर का महीना था। एक डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी, बच्चों की डॉक्टर, जिसकी अपनी जिंदगी की कहानी बड़ी दर्दनाक थी, डॉक्टर कविता, बदला हुआ यह नाम है क्योंकि रेप विक्टिम का नाम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं लिया जाना चाहिए, तो कोई ना कोई एक नाम इसमें रखते हैं, तो डॉक्टर कविता, पंजाब की रहने वाली। जब 10 साल की उम्र थी डॉक्टर कविता की, तब एक रोड एक्सीडेंट में कविता के माँ बाप की मौत हो गई। अब बची दो बहनें, दोनों बहनें किसी रिश्तेदार के साथ पंजाब से दिल्ली आ जाती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं, और कविता एक डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद वेस्ट दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल ESI, वहाँ उसकी पोस्टिंग होती है एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर। मैटरनिटी वार्ड में उसकी ड्यूटी लगती है, वो अपना काम करती है। जब ये बात हुई, ये वाकया जब का, तब उसकी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। इत्तेफाक से कोलकाता की जूनियर डॉक्टर भी नाइट शिफ्ट पर थी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, एक बहन वो भी दिल्ली में ही रहती थी, और डॉक्टर कविता उसी अस्पताल के हॉस्टल में रहा करती थी। हॉस्पिटल में काम, फिर हॉस्टल में रहना, कभी कभार बहन से भी मिलना। 20 सितंबर 2017 यही वो तारीख थी। उस रोज डॉक्टर कविता की नाइट ड्यूटी थी। रात करीब 8 बजे वो मेस में, डॉक्टरों के मेस में खाना खाती है, और खाना खाने के बाद 9:30 के आसपास वो अपने हॉस्टल में पहुंचती हैं थोड़ी देर सुस्ताने के लिए, क्योंकि फिर नाइट शिफ्ट थी, काम पे जाना था, तो उन्हें लगा कि 1-2 घंटा आराम कर लेते हैं। रात 10 बजे वो अपनी बहन को दिल्ली में ही फ़ोन करती हैं, और दोनों बहनों के बीच ये तय होता है कि अगले दिन डॉक्टर कविता अपनी बहन के घर जाएंगी और दिन भर वहीं रहेंगी, फिर रात को ड्यूटी पर लौट आएंगी। ऐसा कई बार हुआ था। बहन से बात करने के बाद फ़ोन रख देती हैं डॉक्टर कविता, और इसके बाद सुबह हो जाती। ये रूटीन था कि दोनों बहनें रात और सुबह ज़रूर एक दूसरे को फ़ोन किया करती थी एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए। अब 21 सितंबर की सुबह होती है, बहन अपनी डॉक्टर बहन को फ़ोन करती हैं, फ़ोन वो उठाती नहीं, कई बार कॉल करती हैं वो नहीं उठाती, ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं, वो अब परेशान हो जाती हैं। अब वो बहन डॉक्टर कविता के सीधे हॉस्टल की तरफ जाती हैं, क्योंकि वो हॉस्टल पहले भी आ चुकी थी। जब वो हॉस्टल पहुँचती हैं तो कमरे का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। जब वो अंदर दाखिल हुई तो नज़र पड़ी कि डॉक्टर कविता अपने बेड पर मुंह के बल यानी औंधे मुंह सो रही हैं। आवाज़ दी, कोई हरकत नहीं हुई। करीब गई, हिलाया तो भी कोई हरकत नहीं। बहन थोड़ी सी अब डरती है और डॉक्टर कविता को पलटती हैं, पेट के बल थी। जैसे ही पलटा, बहन की चीख निकल गई, जिसमें लगभग ठंडा हो चुका था, गर्दन से लेके कंधे से लेके पैरों तक जहाँ तक नजर जा रही थी जख्मों के निशान थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे, अंडरगारमेंट्स पहना हुआ नहीं था, प्राइवेट पार्ट्स पर भी जख्मों के निशान दिख रहे थे। बहन चीखती है, चीख सुनकर आसपास के हॉस्टल के दूसरे डॉक्टर पहुँचते हैं। फौरन डॉक्टर कविता को इमरजेंसी में ले जाया जाता है। डॉक्टर कविता को जब डॉक्टर चेक करते हैं तो कहते हैं ये बेहोश।
अब इसके बाद तफ्तीश शुरू होती है। हॉस्पिटल की तरफ से कहा जाता है कि डॉक्टर कविता ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। यहां आरजीकर अस्पताल में प्रिंसिपल थे, यहां सरकारी अस्पताल में सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल अफसर। तो चीफ मेडिकल अफसर का बयान आया कि डॉक्टर कविता ने यहां खुदकुशी करने की कोशिश की थी और बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो मेडिकल रिपोर्ट ने कहानी बदल दी। मेडिकल रिपोर्ट में आया कि डॉक्टर कविता के साथ रेप हुआ है, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे चोट हैं, उनके कंधे पर चोट है, गर्दन पर चोट है, गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है, लिक्चर मार्क है। अब जब ये रिपोर्ट आई तो हंगामा मच गया। लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया और बाकी ऐसी चीज़ें थी नहीं, दिल्ली की मीडिया में ये खबर फ्रंट पेज पर सारे अखबारों में थी, टीवी पर न्यूज़ चैनलों में ये खबर आई, जिसमें हम लोगों ने उस वक्त ये खबर कवर भी की। अब ये हुआ कि अस्पताल इसको एक सुसाइड दिखाने की कोशिश कर रहा, जैसे सेम आरजीकर अस्पताल में सुबह कॉल लिया था कि जूनियर डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। लेकिन सवाल ये था कि खुदकुशी करने वाला शख्स अपने जिस्म पर इतने सारे जख्मों के निशान कैसे देगा, और जो गर्दन पर उसके लिक्चर मार्क था गला घोंटने का, वो साफ इशारा कर रहा था कि ये मार्क किसी दूसरे शख्स ने दिया है। इधर डॉक्टर कविता अब होश से बाहर नहीं आ रही, डॉक्टरों ने फिर बताया कि वो कोमा में चली गई। अब वो कोमा में है, कोमा से बाहर नहीं आ रही हैं। इधर हंगामा शुरू हो गया, कुछ डॉक्टरों ने सपोर्ट किया फैमिली का, फिर मीडिया आई बीच में, उसके बाद इसको लेके हंगामा शुरू हो गया। आखिरकार ये मुद्दा उठा तो सरकार तक बात पहुंची। अपने दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर सीनियर इस धरना प्रदर्शन को देखते हुए अस्पताल पहुँचते हैं और वहाँ जाकर वो फैमिली को और विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को ये एश्योर करते हैं कि इस मामले की जांच होगी, गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर के आने के बाद अब दिल्ली पुलिस भी हरकत में आती है और उसके बाद जांच शुरू करती है। जब जांच शुरू करती है तो पहली चीज़ जो पता चलती है वो ये कि इस अस्पताल के सीएमओ यानी चीफ मेडिकल अफसर ने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की थी एक नर्सिंग स्टाफ के साथ मिलकर, और इसमें हॉस्पिटल के और भी एम्प्लॉई शामिल थे। एक डॉक्टर जिसके जिस्म पर जख्मों के निशान हैं और पेट पर भी थे, पेट को धोया गया बाकायदा खरोच को छुपाने के लिए, और बाकी जगह पे उस तरीके से चीज़ें खरोच और जख्म न दिखाई दें, उसको वॉश करने और उसको ठीक करने की कोशिश की गई। अब सवाल है ऐसा क्यों किया गया। तो जब सारी चीज़ें हुई, सीएमओ को फिर सबूत मिटाने की इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया गया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि क्या वही हैं इसके पीछे, लेकिन कोई सबूत मिला नहीं। एक नर्सिंग स्टाफ को अरेस्ट किया गया, कोई सबूत मिला नहीं। अब कौन है वो उस डॉक्टर कविता का गुनहगार, किसी को पता नहीं। इधर विरोध प्रदर्शन धरना सब चल रहा है, दिल्ली पुलिस भी अब दबाव में है। अब तफ्तीश शुरू होती है, फैमिली आगे आती है, कहती है हम आपकी मदद करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। तभी फैमिली एक एल्बम दिल्ली पुलिस को सौंपती है और कहती है कि ये एल्बम ठीक एक महीने पुरानी है, यानी अगस्त की है। इसी अस्पताल के एक डॉक्टर के फेयरवेल की पार्टी थी और उसी पार्टी की ये तस्वीर है, और उसमें वो तमाम डॉक्टर हैं जो डॉक्टर कविता के करीब थे, जो जानते हैं एक दूसरे को। जिस डॉक्टर की ये फेयरवेल पार्टी थी वो इस अस्पताल से यूएस जा रहा था, और वो उस पार्टी के बाद यूएस चला गया, तो अब ये था कि वो उसमें हो नहीं सकता शामिल। अब बाकी एक एक तस्वीर जिस एल्बम में थी उस पार्टी में मौजूद था, दिल्ली पुलिस ने हर एक को इंट्रोगेट करने का फैसला किया। अब हर एक से पूछताछ हो रही है। तभी फैमिली ने कहा उसी एल्बम में से एक तस्वीर दिखाकर एक डॉक्टर की कि हमें डाउट है कि ये हो सकता है। उसकी वजह ये थी कि जांच में ये पता चला कि 20 सितंबर की रात डॉक्टर जब मेस से खाना खाकर निकली तो आखिरी वही डॉक्टर था जिनसे उन्होंने बात की थी। पुलिस ने उस डॉक्टर को भी उठाया, हिरासत में लिया, लंबी पूछताछ की, वो कुछ बताने को तैयार नहीं। आखिरकार पुलिस कोर्ट गई और फिर पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट कराया, इस उम्मीद में कि कुछ सच उगल दे। नार्को टेस्ट का भी कोई फायदा हुआ नहीं, आखिर कोई सबूत मिला नहीं, पुलिस को उस डॉक्टर को छोड़ना पड़ा। अब उस डॉक्टर के छोड़ने के बाद पुलिस अपनी जांच कर रही है। इधर डॉक्टर कविता अब भी कोमा में है, होश में आ नहीं रही, पुलिस की जांच जारी है। तभी डॉक्टर कविता के कॉल रिकॉर्ड को देखकर पुलिस को एक अजीब सी चीज़ पता चली
कि जिस दिन ये हादसा हुआ उससे एक रोज पहले डॉक्टर कविता ने एक कॉल पर बहुत लंबी बात की थी और उनकी कॉल हिस्ट्री ये बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा लोगों से लंबी बात नहीं करती थी सिवाय अपनी बहन के। तो वो शख्स कौन था जब ये पता किया गया तो फैमिली ने बताया कि डॉक्टर कविता का ये रिलेटिव है दूर का। पुलिस ने उसे उठाया, पूछताछ की, पर उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिल रहा है। लेकिन पुलिस का शक और बढ़ा जब पुलिस ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारा भी नार्को टेस्ट कराते हैं और ब्रेन मैपिंग कराते हैं। उसने साफ इनकार कर दिया, बोला मैं नहीं कराऊंगा। अब पुलिस को शक और होने लगा, गहराया, लेकिन वो इनकार कर रहा है, उसकी मर्जी के बिना कैसे करें। तब पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट पहुँचती है, दिल्ली हाईकोर्ट जाकर सारी कहानी बताती है और कहती है इस केस में बहुत अहम है इसका नार्को या ब्रेन मैपिंग कराना। दिल्ली हाईकोर्ट इजाज़त दे देती है, इसके बाद उस रिलेटिव का ब्रेन मैपिंग होता है, पर पुलिस के हाथ अब भी खाली, कोई सुराग नहीं मिला। इधर वक्त बीत रहा है, डॉक्टर कविता अब भी कोमा में है। अब कोमा में अस्पताल, ऊपर से इतना खर्चा, क्या करें। और ये देखिए हालात उस वक्त, उसी अस्पताल में हादसा हुआ है, लेकिन फिर उन्हें वहाँ से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वेस्ट दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाता है और वो अब भी कोमा में है। इधर पुलिस की तफ्तीश जारी है, 4 महीने बीत चुके हैं। इसी दौरान अब फैमिली से एक और चीज़ पता चलती है पुलिस को। पता ये चलता है कि इस हादसे से करीब 2 महीने पहले फैमिली ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर डॉक्टर कविता के रिश्ते के लिए मतलब डिटेल डाली थी। अब जब ये जानकारी आई तो पुलिस को लगा कि हो सकता है डॉक्टर कविता की इस हाल के लिए वो शख्स जिम्मेदार हो जो या तो उनका बॉयफ्रेंड हो या जो प्यार करता हो या जो एक तरफा प्यार में पड़ा हो, और या फिर वो भी हो सकता है जो मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अपना रिश्ता लेकर आया हो डॉक्टर कविता ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जब किसी को आप रिजेक्ट करते हैं तो वो बदला लेता है। तो पुलिस ने उस लाइन पे अपनी जांच आगे बढ़ाई, लेकिन अफसोस उस लाइन पे भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला। इधर 7 महीने बीत चुके थे। 7 महीने के बाद अचानक अप्रैल का महीना 2008 और डॉक्टर कविता की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और फिर अप्रैल का महीना आता है और अप्रैल के महीने में अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि 7 महीने की इस जद्दोजहद के बाद डॉक्टर कविता ने दम तोड़ दिया। 20 सितंबर 2007 को जब वो बेहोश हुई इस हादसे के बाद, उसके बाद अप्रैल 2008 तक वो कभी होश में नहीं आई। उसी बेहोशी के आलम में उनकी मौत हुई और जब उनकी मौत हुई तब वो एक कंकाल बनकर रह गई थी। उनका वेट या वज़न उस वक्त सिर्फ 15 किलो था डॉक्टर कविता का। 7 महीने की इस मौत के बाद फिर से मामला तूल पकड़ा, पुलिस के हाथ खाली, कोई गिरफ्तारी नहीं। CMO को गिरफ्तार कर लिया था सबूत मिटाने के कोशिश के इल्ज़ाम में, लेकिन वहाँ से भी ये मामला अभी तक सुलझा नहीं। और अब ये मामला जो है कत्ल का हो गया क्योंकि डॉक्टर कविता की मौत हो चुकी थी, पर कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जब वो हॉस्टल के उस कमरे में गई थी 21 सितंबर को, तो उस हॉस्पिटल के अंदर से उन्हें बल्कि उस हॉस्टल के अंदर से डॉक्टर कविता के एक डिस्पोजेबल सिरिंज और इंसुलिन की 2 बोतलें मिली थी। और इत्तेफाक से जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी डॉक्टर कविता की, उसमें उनकी एक बाँह में इंजेक्शन के मार्क थे और कमरे से मिली ये सिरिंज और इंसुलिन की बोतलें। पुलिस ने लास्ट में यही कहा कि डॉक्टर कविता के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए कोई मेडिकल एक्सपर्ट ही जिम्मेदार है, जिसे पता है इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, सिरिंज का क्या इस्तेमाल होता है, और बाकी सारी चीज़ें जो कट थे बॉडी पर वो भी उसी तरीके से थे जो कोई एक मेडिकल यानी इशारा डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ जो भी गए उनकी तरफ था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता, डॉक्टर कविता की मौत के बाद ये लड़ाई भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। आज हम 2024 में हैं, सितंबर का महीना दरवाजे पर है, अगले महीने सितंबर है, और वही सितंबर डॉक्टर कविता 20 तारीख 2007, आज भी ये केस सुलझा नहीं। आज भी नहीं मालूम कि डॉक्टर कविता के साथ
किसने रेप किया, किसने कत्ल किया, वो कौन है, हॉस्पिटल के अंदर का है, बाहर का है। पुलिस सिर्फ इतना क्लू देकर खामोश हो गई कि काम किसी न किसी मेडिकल एक्सपर्ट का है। अब जाहिर है कि डॉक्टर कविता के इर्द गिर्द डॉक्टर ही हुआ करते हैं। सोचिए, जब आरजी कर अस्पताल का इंसिडेंट हुआ होगा और जो डॉक्टर कविता का गुनहगार है, जब वो ये कहानियाँ टीवी पर अखबारों में देख रहा होगा, तो जहाँ भी होगा आज भी होगा ही, मुस्कुरा रहा होगा हमारे कानून पर, हमारे सिस्टम पर, हमारे इन्वेस्टिगेशन पर, हमारे जुडिशरी पर, कि ये 17 साल हो गए कोई मुझ तक पहुंच भी नहीं पाया। अब जूनियर डॉक्टर कोलकाता का केस तो अभी शुरुआती मरहले में ही है, सीबीआई जांच कर रही है, 20 दिन तो हो चुके हैं, पता नहीं कब रिपोर्ट देगी। एक संजय राय उसकी कस्टडी में है, वो भी हिरासत में है। आगे चलकर इस केस का भी क्या होता पता नहीं, इस प्रिंसिपल का भी क्या होगा वहाँ के। यहाँ CMO साहब को भी बाद में छोड़ ही दिया गया, वो भी अब किसी ना किसी अस्पताल में अपनी नौकरी कर रहे हैं, या हो सकता है अब रिटायर हो गया हो। लेकिन ये केस सवाल है हमारे सिस्टम पर, हमारे इन्वेस्टिगेशन पर, हमारी पुलिसिंग पर, हमारी जुडिशरी पर। ये तो कुछ मीडिया में आ गए तो हम आपको पता भी चल जाता है, वरना इस देश में ऐसे कितने केस हैं जो कभी नोटिस में आए ही नहीं, जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं, जिनके बारे में किसी ने कभी जानने की कोशिश तक नहीं की। ये बस 8-10, 2-4 आप देखते हैं, ये बानगी है। वरना ऐसे ऐसे केस है जो कब हुए और कब दफना दिए गए कोई नहीं जानता। तो ये थी आज की कहानी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस और इस डॉक्टर कविता के केस में कितनी सिमिलरिटी थी। तो कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला आज। अंश कुमार सिन्हा, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंश, एंड थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। नव्या कुर्मी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नव्या, और ये नरेंद्र कुर्मी जी की बिटिया है। साथ ही साकेत झा और जानवी जूही झा, इन दोनों की भी आज, इन दोनों का बर्थडे है। तो साकेत और जानवी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, भेजा है प्रशांत झा ने। गुरनीत कौर सोढ़ी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गुरनीत कौर, और भेजा है मनदीप कौर जी ने, एंड थैंक यू सो मच। साथ ही निसारगा बावस्कर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे निसारगा, और ये गौरव चौधरी जी की पत्नी है। कल्पना नेपालका जी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कल्पना जी, और ये भेजा है विष्णु प्रसाद दहाल कृतिज्ञ और कृष्णदीप दहाल ने। साथ ही आरुषि पाल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आरुषि, और भेजा सुशील पाल ने। तो कहानी में आज इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।